नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गायनेक ओपीडीज में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो पेशेंट देखे जाते हैं वो होते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के। एंड वजाइनल इन्फेक्शन के दो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, एक तो होता है ईस्ट इन्फेक्शन एंड सेकेंड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा जो इन्फेक्शन होता है वो होता है पुअर फेमिनाइन हाइजीन की वजह से, यानी कि पुअर इंटीमेट हाइजीन के वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें किस तरह अपने इंटीमेट एरियाज़ को अच्छा रखना है, साफ़ रखना है, किस तरह उसका केयर लेना है। एंड काफ़ी पुअर लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। सो इस वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए मैं अपने पेशेंट को कुछ टिप्स बताती हूँ जिसे वो फॉलो करते हैं तो उससे बच जाते हैं। प्लस एक इंटीमेट वॉश रिकमेंड करती हूँ जिसके यूज़ से वो काफ़ी हद तक इस रिकरेंट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आज उसी प्रोडक्ट के बारे में मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह पूरी जानकारी हो जाए। सो जो प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट को वो है लैक्टास्फीड फेमिनाइन हाइजीन वॉश। इसका रिज़ल्ट मैंने पेशेंट्स में देखा है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है और पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं इसके इस्तेमाल से। सो इस वॉश को हमें कब कब इस्तेमाल करना है? वैसे तो हम इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको किसी तरह का वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है इंटरमिटेंटली तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, लाइक इचिंग, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन या कुछ बदबू आ रहा है, अनप्लेसेंट ओडर आता है, तो भी आप इस फेमिनाइन वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इस वॉश का सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना माइल्ड, इतना सॉफ्ट है कि ये आपके स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। चाहे आप इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो भी, एंड इट इज़ वेरी जेंटल एंड सेफ। इस वॉश में एक हल्की सी खुशबू आती है जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसके वजह से आपको काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश और प्लेजेंट फील होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका जो बहुत अच्छा हाइलाइटिंग फीचर है वो है कि ये अपना काम कर लेता है, बट इट नेवर डिस्टर्ब्स द पीएच ऑफ योर इंटीमेट एरिया। पीएच को भी बैलेंस में रखता है एंड इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ऑल द सिम्टम्स लाइक इचिंग, इरिटेटिंग, बर्निंग। सो दिस इज द ओनली की फीचर ऑफ दिस। चलिए बात करते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम आम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने हेयर वॉश के लिए, आम सोप यूज़ करते हैं अपने बॉडी वॉश के लिए, वैसे ही इसे इस्तेमाल करना है। नियरली आपको 5 ml अपने हाथों पे लेना है, पाम्प्स पे लेना है, अच्छे से उसे रब कर लीजिए और अपने इंटीमेट एरियाज पे लगा लीजिए। 2-4 मिनट रखने के बाद आप उसे अच्छे से पानी से साफ कर लीजिए। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द लैक्टास्फीड फेमिनाइन हाइजीन वॉश। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इरिटेशन होता है अपने इंटीमेट एरियाज में, या फिर बार बार आपको वजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो आप इस प्रोडक्ट का डेफिनेटली इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट कैसा आपको लगा उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।